वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं। दिवाली से पहले अगर मेरे 500 सब्सक्राइबर्स होते हैं तो मैं एक गिव अवे अनाउंस करूंगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब करें, जिससे हो सकता है वो गिव अवे एज अ दिवाली गिफ्ट आपको ही मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रानी और आप देख रहे हैं रानी टेक। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो आप एयरपॉड्स 3 की ये डील मिस नहीं करेंगे, और अगर आप नया आईफोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है एयरपॉड्स और आईफोन का। ये मेरे एयरपॉड्स 3 हैं, इन्हें मैंने 3 महीने पहले खरीदा था और इन्हें मैंने बहुत यूज़ किया है, और आज मैं आपके साथ इसका एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। इससे पहले मैंने एयरपॉड्स प्रो भी यूज़ किए हैं और उसके बाद लिए हैं मैंने एयरपॉड्स 3। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कौन सा वैल्यू फॉर मनी है इस फेस्टिवल सेल में आपके लिए। ये एयरपॉड्स मैंने परचेज किए थे 13,500 रुपये में। ये मैंने रिलायंस डिजिटल वेबसाइट से परचेज किए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो आप वहां जाकर भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपको कोई बेस्ट ऑफर मिले तो। स्टोर पर कभी इतना ऑफर नहीं मिलता जितना हमें ऑनलाइन मिल जाता है। अब बात करूं इसके एक्सपीरियंस की, तो ये बहुत ही बेहतरीन ईयरबड्स है। अगर आप इसे कॉल क्वालिटी के पर्पज से देखें तो इन एयरपॉड्स से बेटर कोई भी ईयरबड नहीं है मार्केट में। अगर आप कंटिन्यूस कॉल्स के लिए इसे परचेज कर रहे हैं तो ये वैल्यू फॉर मनी डील रही। अब बात करें साउंड क्वालिटी की, तो मैंने इनसे पहले एयरपॉड्स प्रो भी यूज़ किए थे। उनकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन वो थोड़ा फ्लैट साउंड करते थे, और जब से मैं इन्हें यूज़ कर रही हूँ इनकी साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये फ्लैट साउंड नहीं करते। एयरपॉड्स 3 को आप रनिंग एंड जिम में काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसकी साउंड में बेस अच्छा है। कुछ लोगों को न्यूट्रल साउंड पसंद होता है तो वो एयरपॉड्स प्रो को ज़्यादा पसंद करेंगे। इसकी साउंड में वाइडर स्टेज है, जिससे आपको फील होगा कि आप किसी लाइव सिंगर को सुन रहे हैं। इनमें आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन यानी कि ANC नहीं मिलता, जो कि सिर्फ आपको एयरपॉड्स प्रो में ही देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एयरपॉड्स प्रो की फिटिंग थोड़ी अनकंफर्टेबल है। कुछ लोगों को ज़्यादा बेटर फील नहीं होता उसे लॉन्ग आवर्स यूज़ करने में। मैंने भी एयरपॉड्स प्रो इसीलिए बेच दिए। एयरपॉड्स 3 बहुत कंफर्टेबल है और कोई पेन भी नहीं होता अगर आप इन्हें 2-3 घंटे कंटिन्यूस यूज़ करें तो। अब इनका एक नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बता दूँ। अगर ये आपके कान में अच्छे से फिट नहीं हुए तो इनके गिरने का डर ज़्यादा रहता है, क्योंकि इनकी जो फिटिंग है वो ज़्यादा टाइट नहीं होती है एयरपॉड्स प्रो की तरह। तो आप इस चीज़ को भी अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। अगर प्राइस पॉइंट की बात करें तो ऑफ़र में ये आपको 11,000 से 12,000 में मिल जाने चाहिए, और इस ऑफर में यह अच्छी डील होगी। और अगर आप चाहें तो 14,000 से 15,000 की रेंज में एयरपॉड्स प्रो फर्स्ट जनरेशन भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि एयरपॉड्स प्रो फर्स्ट जनरेशन भी आपको इस फेस्टिवल सेल में 14,000 से 15,000 की रेंज में मिल सकते हैं। और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरीज हैं एयरपॉड्स 3 या एयरपॉड्स प्रो को लेकर, तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।